देखो साइन कन्वेंशन में ना क्या क्या होगा समझो देखो, ठीक है पहले समझना, ठीक है कॉनकेव कॉनवेक्स दोनों की एक साथ बात करेंगे जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, नाइन्थ क्लास में चैप्टर भी था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, टेंथ क्लास में भी है, जो तुम्हारा आजकल मैथ्स में चल भी रहा, ठीक है। उसमें ना एक चीज बताया जाता है कि ये वाला क्या होता है, ओरिजिन होता है ना, इधर वाले डिस्टेंस इसको बोलते हैं एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं वाई, ये वाला क्या होता है एक्स डैश, ये वाला क्या होता है वाई डैश, ठीक है। इधर से डिस्टेंस वाले ये वाले सारे नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इधर की तरफ सारे नंबर भी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इधर की तरफ सारे नंबर क्या होते हैं नेगेटिव, इधर की तरफ सारे नंबर क्या होते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये तो मैं पता ही है ना, क्यों सीख रहे हम, ठीक है, हम यही से क्या सीखेंगे साइन कन्वेंशन बनाना सीखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है, आसान तरीका है बहुत, ठीक है। देखो ध्यान से अब क्या करते हैं कि ना जो ये वाई लाइन जा रही है वाई वाली, ठीक है, इसको मान लेते हैं मिरर है, ठीक है, जैसे लिखा ना वाई और वाई डैश, तो मान लेते हैं वाई और वाई डैश क्या है टू भी मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर बना दिया मैंने कॉनकेव बना दिया, सुन में आ गया ना, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये लाइन कहां से पास हो जा रही, ऐसे करके पास हो जा रही, और इसका नाम क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं एक्स डैश और ये वाला हो गया एक्स, सुन में आ गया ना ये, ठीक है। जहां पर दोनों लाइन कट रही है ग्राफ के अंदर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, तो जहां पर कट रही वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम पोल बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ना इस वाले को ना इससे कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे साइन कन्वेंशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, हम क्या करते हैं कि ना जो ये वाली वैल्यूज है करना वही है, जो भी ना वैल्यू ओरिजिन से इधर लिया जाएगा वो सारी वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, जो ओरिजिन से ऊपर इधर वैल्यू होंगी सारी की सारी क्या होंगी पॉजिटिव होगा, जो ओरिजिन से लेफ्ट में होगा इधर की तरफ, ठीक है, इस बार ये वाला लेफ्ट मेरा वाला लेफ्ट, ये सारी वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव होगा, और जो डाउन की तरफ होगा सारी वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब समझो देखो हम क्या करेंगे, पहले ना सबसे पहले चलते हैं फोकल लेंथ पे, ठीक है, सबसे पहले कहाँ चलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, और ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना ये सारे के सारे किसके लिखा रहा हूँ कॉनकेव मिरर के, ध्यान से समझते रहना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, हमें रटने नहीं है, हमें समझ नहीं कैसे होंगे, ठीक है, वरना बच्चे रटने स्टार्ट कर देते हैं और रटोगे तो अगर तुम तो जब कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे ना कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स दोनों भूल जाओगे, ठीक है, तो रटना हमें समझना ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या बना दिया एक कॉनकेव क्या बना दिया यहाँ पर एक लेंस बना दिया, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉनकेव मिरर बना दिया, ये वाला क्या हो गया पोल हो गया, ये वाला फोकस और ये वाला क्या होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है, सारी की सारी डिस्टेंस ना पहला पॉइंट तो ये याद रखना, ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है मेन कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, जितनी भी डिस्टेंस होगी ना वो सारी कहां पे कहां से नापी जाती है हमेशा पोल से नापी जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जो ये एफ होगा इस एफ का मतलब, एफ का मतलब क्या होता है फोकल लेंथ, ठीक है, मैंने परसों बताया था, ठीक है, कल भी बताया था, ठीक है। U का मतलब, इस U का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा U हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ चीज V का मतलब क्या होता है इमेज का डिस्टेंस, जो भी तुम्हारा क्या होगा इमेज का डिस्टेंस होगा, ठीक है। इससे पहले हमने मैग्निफिकेशन में फॉर्मूले लिखे थे ना उनको बांधने से ना उनको छोड़ दो, ठीक है, अभी इनका काम है बस, ठीक है। अब देखो जो फोकल लेंथ है ना सारी डिस्टेंस कहां से नापी जाती है पोल से नापी जाती है, यानी कहां से नापा जाएगा ओरिजिन से, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होती है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं ना, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, ये वाला क्या होता है फोकल लेंथ, इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ग्राफ होगा ना ग्राफ से कंपेयर करो ये वाला डिस्टेंस ये ओरिजिन से इधर की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस क्या लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये वाला भी क्या होगा नेगेटिव होगा ना इधर की तरफ, तो मतलब जो फोकल लेंथ होगा ना किसका कॉनकेव का उसको क्या रखा जाता है नेगेटिव रखा जाता है, समझ में आ गया। नेगेटिव कैसे रखना है मैं बाद में समझ रहा हूँ, पहले समझो नेगेटिव, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है भाई, ये तो सबको याद होगा, ये वाला तो याद ही होगा सबको कॉनकेव ऐसे बनता है और प्रिंसिपल एक्सिस होती है पोल यहाँ पर फोकस यहाँ पर सेंटर यहाँ पर, ठीक है। और ये तो तुम्हें पहले से बता था, इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि तुमने अभी सीखा होगा, सबको पहले बता था इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है बस इससे ना इसको कंपेयर करना है, क्या करना है इससे करना है इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो जैसे फोकल लेंथ है ये किधर रखा हुआ लेफ्ट में रखा हुआ, तो इधर की मैंने जैसे ऐसे मान लो ना कि ओ से इधर की तरफ जा रहा हूँ लेफ्ट, इस वाले पोल से इधर लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, तो यानी कि एक्स डैश की तरफ कौन सा डिस्टेंस होता है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। सेकंड चलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू क्या आएगा देखो, मैंने ना परसों बात बताया था तुम्हें, यहाँ पर मैं मेन पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड, ऑल द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना सबके सब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में, मैंने परसों बताया था, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो कॉनवेक्स हो मिरर लेंस कुछ भी चल रहा हो
जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, सबके सब कहाँ प्लेस किए जाते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, यहाँ पर होगा, ये मान लेते हैं सपोज, ये हमने क्या रख रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो खुद ही सोचो ये किधर की तरफ जाएगा, एक्स डैश की तरफ, एक्स डैश यानी नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू भी कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। सर नेगेटिव क्यों आएगी, ठीक है, बस मैं इस ग्राफ को ना इससे कंपेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, कभी रख नहीं सकते हूँ, नीचे की तरफ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, नीचे की तरफ रख तो सकते हैं, पर आएगा तो लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में तो आएगा, बात चल रही लेफ्ट और राइट की, तो लेफ्ट में आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट में कभी रख ही नहीं सकते तो इसका मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव कभी आने का चांस ही नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं थर्ड वाला इमेज पे, ध्यान से देखना, ठीक है। थर्ड वाला चलते हैं इमेज डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो मेन बात, ठीक है, जो इमेज होती है ना, इमेज ना दो तरीके की बनाता है, कौन, कॉनकेव दो इमेज बनाता है, एक वर्चुअल भी बनाता है, ठीक है, और दूसरी कौन सी बनाता है, रियल भी बनाता है, दो तरीके की इमेज बनती है ना, वर्चुअल और रियल, ठीक है। अब जो वर्चुअल होती है कहाँ बनती है बताओ जरा, वर्चुअल इमेज जो बनती है ना, वर्चुअल कहाँ बनती है, इधर की तरफ बनती है, याद होगा तुम्हें, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत याद भी रखो पहले का, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या बनती है, यहाँ पर, तो इसका मतलब इधर पे बनता होगा, एक इधर की तरफ काउंट होगा, एक्स की तरफ, एक्स का मतलब इधर की तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव है ना ये, तो जब वर्चुअल इमेज होगा ना, जब वर्चुअल होगा तो हम वी की वैल्यू, इस वी की वैल्यू क्या रखा जाएगा, फिर पॉजिटिव रखा जाएगा, ना कौन से केस में, वर्चुअल वाले केस में, ठीक है। तो तुम्हें साइन कैंसिल रटने नहीं है, ऐसे मत याद करना कि यू क्या नेगेटिव वी पॉजिटिव, ऐसे नहीं, ठीक है। बस इस डायग्राम को याद रखो, वर्चुअल तुम्हें पता होनी चाहिए कहाँ बनती है, हमेशा इस वाले के पॉलिश सरफेस के इधर पे पीछे पे, या मिरर के पीछे बोल देते हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या बनती है, हमेशा सामने पे बनती है, ठीक है। दूसरी तरफ रियल इमेज, ठीक है, इधर की तरफ क्या लिख देते हैं, वी लिख देते हैं, ठीक है। रियल रियल इमेज कितने की तरफ बनती है, सारी इमेज इधर की तरफ बनती है, नीचे की तरफ, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने इमेज फॉर्मेशन में सब देखा, छह पांच में से, छह में से पांच इमेज क्या बनती है, यहाँ पर बनती है, बाकी एक इमेज यहाँ पर बनती है, फर्स्ट वाले केस की, ठीक है। कौन सा केस होता है जब इमेज यहाँ बनती है, पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है जब, ठीक है। तो यानी कि पांच के पास नंबर की क्या होंगी, इमेज यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। तो ये वाला केस कौन सा होता है, रियल इमेज। अब देखो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, इधर की तरफ नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर से कंपेयर करो एक्स डैश, तो यानी कि जो वी की वैल्यू ना, जो रियल इमेज बनाएगा, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, सर ना करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले ना हम क्या करते हैं कि साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़ते हैं, कि मैं फिर जब न्यूमेरिकल्स करेगा तो न्यूमेरिकल में यूज करूंगा प्लस माइनस कैसे, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब चलते हैं, देखो ये तीन चीज समझ आ गई ना मैंने क्या रखा, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे याद करना है, ऐसे मत रटना, ठीक है। अभी तो तुम तीन साइन है, तुम सोचोगे यार तीनों तो आसानी है, याद कर लेते हैं, प्लस माइनस ये, ठीक है। पर अभी सोचो अभी सिर्फ कॉनकेव के बढ़ रहे हैं, इसके बाद किसके पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स के पढ़ने, फिर कॉनकेव लेंस की भी पढ़ने, मिरर के भी पढ़ने, और पेपर में आएगा चारों में से एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो गलती होती है साइन की, और साइन की गलती ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि याद कर लेंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो कैसे बन रहा है, ठीक है। कुछ ज्यादा याद नहीं करना, ये सबको पता है कॉनकेव ऐसे बनता है, इन सिलेक्सी सबको पता है, फोकस पोल सेंटर सबको पता है, ठीक है। बस इतना देखो, जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर, बाकी रियल क्या बनती है, ठीक सामने पे, ठीक है। अब चलते हैं अलग चीज पे, ठीक है, देखो फोर्थ अलग चीज, ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट पे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको बोलते हैं h1, ठीक है। अभी लिखा था ना मैग्निफिकेशन, मैंने फॉर्मूला भी लिखा था h2/h1, ठीक है। कैसे याद करना है, उसका भी तरीका होता है। ऑब्जेक्ट हाइट को बोलते हैं h1, किसी किसी बुक में ना h0 भी लिखा होता है, ठीक है। h0 का मतलब भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट, कहीं पर लिखा होता है h0 hi, hi का मतलब क्या हो गया, इमेज की हाइट, h0 का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो कहीं पर हम, मैं ज्यादातर h1 यूज करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहीं पर h0 भी लिखा होगा, h0 का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होता है, हमेशा ऐसे करके होगा, ऊपर की तरफ प्लेस होगा, कभी तुमने देखो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ प्लेस होता होगा, कभी देखा ही नहीं होगा, मैं इधर देखा मैं इधर देखा, हमेशा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसे करके ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो ऊपर कौन सी एक्सिस होगी, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ वाई वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब h1 की वैल्यू ना, इसको क्या लिया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, तो मैं पॉजिटिव क्यों आई है, ठीक है, दोबारा समझ लो क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ कौन बैठा है, वाई बैठा है, और वाई का मतलब क्या होगा, एक्सिस में क्या वैल्यू मिलते हैं, पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट h1 या h0 बोल दो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगला केस इमेज की हाइट, ठीक है, इमेज की हाइट की बात कर लेते हैं, या साइज बोल दो, ठीक है। इमेज की हाइट को हम h2 लिखता हूँ, ठीक है, कोई कहीं पे hi भी लिखा रहता है, ठीक है, i1 है और ये hi, ठीक है, hi का मतलब कि हाई इमेज हॉल, ठीक है। अब देखो इसको, इसके ना दो केस बनते हैं, ठीक है, दो केस वही वर्चुअल और रियल वाले, ठीक है। तो पहला केस हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला तुम्हारा पहला केस क्या बन जाएगा, वर्चुअल, और दूसरा तुम्हारा केस क्या बन जाएगा, रियल, ठीक है। अब देखो वर्चुअल और रियल में क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। वर्चुअल में, वर्चुअल किधर की तरफ बनता है, इधर की तरफ बनता है, और
ये कहाँ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर का मतलब किसकी तरफ जा रहा हूँ, वाई की तरफ। वाई वाले में ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। तो वर्चुअल केस में इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। रियल इमेज में किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ यानी कि वाई डैश की तरफ, और वाई डैश में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यानी कि इसका मतलब रियल इमेज में जो हाइट होगी वो क्या बन जाएगी, तुम्हारी नेगेटिव बन जाएगी। समझ में आ गया ना कैसे निकाला मैंने, ठीक है। तो तुम्हें ना रटने नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने नहीं है, तुम्हें समझने की कैसे बन रही है, ठीक है। इधर के कुछ पॉइंट याद रखो, जितनी भी डिस्टेंस है हमेशा कहाँ से नापी जाएगी, हमेशा पोल से, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, हमेशा पोल से। पोल एक ओरिजिन पॉइंट है उसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फोकल लेंथ, ये सबसे आसान है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है, ठीक है। तो हमेशा ना यू जो होता है नेगेटिव ही होता है, हमेशा लेफ्ट में होगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, देखो ये मेरा राइट हैंड है, तुम्हारा भी होगा राइट, ये वाला राइट है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ऐसा मान लो मैं पीछे मिरर हूँ, ठीक है, इधर की तरफ मेरा उल्टा आते कौन सा वाला हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरा हेड है तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये मेरे लेग से लेग्स की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब खुद को ऐसे मिरर मान के या तो मिरर बनाओगे कॉपी में, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी काम नहीं है। जब तुम साइन कन्वेंशन करोगे ना, अभी मैं नुमेरिकल्स कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। मुझे तो सारे पता है कि साइन कन्वेंशन क्या आने, पर मैं क्या करूंगा कि वहां पर ना इस मिरर को बना दूंगा। मिरर बनाने से क्या होगा कि हमें साइन कन्वेंशन एकदम से क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, मतलब, ठीक है। उतारो पहले फॉर्म वेक्स के, देखते हैं कॉन्वेक्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या क्या होगा समझना। देखो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं ना, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सबसे पहले की बात करते हैं फोकल लेंथ की, ठीक है। तो फोकल लेंथ देखते हैं कहाँ पे बनता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो हमें ना कॉन्वेक्स लेंस क्या आना, बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट क्या होता है, ऐसे बनता है ना कॉन्वेक्स मिरर कुछ, ठीक है, याद होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखो, कौन कहाँ पर है, इसका फोकस कहाँ पे होता है, इसके अंदर होता है राइट साइड पे, ठीक है। बताया था मैं रीजन भी, बताया था क्यों होता है, क्योंकि ऐसे करके स्पेरिकल अगर बंद हो रहा तो सेंटर में मिलेगा अंदर, ठीक है भाई। सर्कल अगर ऐसे बंद होगा तो सेंटर अंदर तो मिलेगा ही, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये वाला इसका पॉलिश सर्फेस है तो सेंटर यहाँ, ठीक है, सेंटर यहाँ पर, तो फोकस यहाँ पर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। तो करते जरा इसके अकॉर्डिंग मैच, ठीक है। ये वाला जो ये वाले एक्सिस है, इसको क्या नाम दे देते हैं, एक्स डैश। ये वाले नाम क्या हो जाएगा, एक्स। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वाई। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वाई डैश। पोल क्या है, ओरिजन। ओरिजन से इधर जा रहा, इस बार क्योंकि साइड डिस्टेंस कहां से नापते हैं, हमेशा पोल से नापते हैं। ये किधर की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ डिस्टेंस कौन सा वाला हो जाएगा, एक्स की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ की डिस्टेंस कैसे नापी जाती है, पॉजिटिव, ठीक है। पहले वाले में क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। सेकेंड चलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। यू जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, देखते रहना, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाता है, हमेशा इधर पे, हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखे रखा मैंने, ठीक है, कि ऑल द ऑब्जेक्ट आर प्लेस इन द लेफ्ट साइड, सारे के सारे लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। अगर सारे के सारे अगर लेफ्ट साइड में है, तो यानी कि इसका मतलब ये क्या होगा, एक्स डैश की तरफ, और डैश का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। यू को ना तुम ऐसे बोल दो, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे लेंथ हो चाहे मिरर हो, यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। अब चलते हैं इमेज के पास, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब जरा तुमने जो हमने वो पढ़ा था ना, ठीक है, इमेज डिस्टेंस देखते हैं, इमेज को, ठीक है। इमेज कौन से लिए बनाते हैं, वर्चुअल रियल या दोनों, ये जो होता है ना कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स कौन सी इमेज बनाता है, सिर्फ ओनली फॉर्म, या तो लिख देना वहां पर कहीं पर, ठीक है, ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज जो तुम्हारे ये होता है, एक ऐसी इमेज बनाता है सिर्फ वर्चुअल, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता ये वाला, ठीक है। अगर ये वर्चुअल इमेज बनाएगा तो यहाँ पर हम इमेज की जगह ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाली सिर्फ कौन सी इमेज बनाएगा, एक वर्चुअल इमेज, ठीक है। और अगर मैं वर्चुअल की बात करूंगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है, हमेशा इधर पे बनती है, क्योंकि हमने उसमें देखा ना कॉनकेव में, कॉनकेव में भी वर्चुअल इमेज क्या बनती थी, इसके सामने बनती है, पॉलिश के सामने, तो यानी कि इधर का मतलब वर्चुअल का बनेगी यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कौन सा वाला है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, ये वाला क्या लिया जाएगा हमें, पॉजिटिव, ठीक है। रियल इमेज बनाता ही नहीं है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे वैसे रहेंगे, तो मैं आगे रियल इमेज बनाता ही नहीं है ये, ठीक है। फोर्थ वाला, अब चलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जो हाइट होगा, ठीक है, एच वन या एच ओ। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, इधर पे प्लेस कर रहा होगा, ठीक है। और इसका मतलब कौन सी एक्सिस होगी, वाई वाली, वाई का मतलब ऊपर वाली क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसको क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं कह रहा हूँ सिंपल ही है, तो पहले की तरह चल रहे, ठीक है। फिफ्थ वाला, इमेज की हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो इमेज की हाइट, इमेज की हाइट को हम क्या बोलते हैं, या तो H2 बोल दो, या बुक में यह लिखा होगा HI, ठीक है।
इमेज कहां पर बनती है, यहां पर दो जगह पे इमेज बन गई, दो को तो यानी एक ही जगह में बनती है वर्चुअल इमेज, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी पॉजिटिव, कभी ऊपर इधर में तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया पॉजिटिव, समझ में आ गया नहीं, ठीक है। तो तुमने देखो कॉन्वेक्स वाला ना ऐसे भी याद कर सकते हो, याद क्या इसको समझ भी सकते हो ऐसे, जिसको बच्चे डायरेक्ट याद भी कर ले, वो आसान है, ठीक है। इनमें ये भी पॉजिटिव है, सबके सबके आंसर क्या होते हैं पॉजिटिव, किसको छोड़ के ऑब्जेक्ट को छोड़ गया, ठीक है। इसका नाम क्या राधिका दर, देख तू बता नहीं कौन सी थोड़ी लिखती रहती है कॉपी में, ठीक है, तभी तेरा पहला जाता लग रहा है ना, सबसे पहले तेरा ये इसलिए जाता है क्योंकि तू जब पढ़ा रहा होता है दिखती थोड़ी है, तू लिखती कॉपी में, ये उसके बाद बगल वाले का भी लिखते क्या, ये नेगेटिव है ना, ठीक है। सिर्फ जो यू होता है ना तुम्हारा, यू वाला क्या होता है नेगेटिव है, बाकी याद करने का तरीका ये कि ये भी पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स में, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग ना याद करना ज्यादा आसान, मुझे याद करना टोल नहीं है, ठीक है, याद करना तो मुश्किल है, बनाना सीखना कैसे बन रहे हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं सेंड कन्वेंशन बनाना है ना, उसके बाद मिरर बताना चाहिए कहां मिरर बनता है, ठीक है। जैसे कॉनकेव के बनाना है तो कॉनकेव का मिरर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और डायरेक्शन कहां पर क्या क्या होती है, ठीक है। ये याद करना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया जाता है, यहां पर इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखो कि वर्चुअल इमेज क्या बनती है, यहाँ पर बनेगी, और रियल इमेज कहां पर बनती है, इधर पे बनेगी, बस दो तीन चीज याद रखो, ठीक है, उतारो उसको फिर जरा। उठाओ उसका।